चैप्टर है मार्केट एनर्जी। ठीक है, देखो वैसे तो एंड लगाना ही गलत है, अगर सही से बात करें तो एंड की जगह और आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्क और एनर्जी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम और भी लगा सकते हैं। हम जो भी वर्क, हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है वो हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, वर्क के लिए यूटिलाइज करते हैं, और जो भी वर्क हमारे पास बच जाता है वो हमारे अंदर किस तरह से सेव हो जाता है, एनर्जी में सेव हो जाता है। तो चैप्टर कहना कहीं वर्क और एनर्जी होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वर्क एंड एनर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर भी अगर हम वर्क की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है व्हाट इज वर्क, हम कब कहेंगे कि काम हुआ। तो वर्क की कोई डेफिनेशन नहीं होती, वर्क की कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी कंडीशन होती है बेटा। क्या होती है? कंडीशंस होती है, और कंडीशंस को ही हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेफिनेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ हम कंडीशन को फॉलो करके चलते हैं। ठीक, जैसे अब मान लीजिए ये कोई बॉक्स है रखा हुआ है यहाँ पे, इट इज एट पोजीशन नंबर ए। ये किस पोजीशन पर है? ए पर। कुछ टाइम बाद एक लड़का यहाँ पे खड़ा हो गया, उसने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करा, एफ फोर्स क्या लगाना शुरू करा, एफ। तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच गया, ए पोजीशन से कहाँ पहुंच गया, बी पोजीशन पर। जब ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एस। इसमें डिस्टेंस की बात नहीं करते, इसमें हम कभी भी डिस्टेंस की बात नहीं करते, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो कई बार बुक्स में ये काम होता है कि वर्क इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, तो वो गलत है, आप उसको डिस्प्लेसमेंट से ही कवर करके चलो। तो अब आप एक चीज समझो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया तो क्या हम कहेंगे कुछ वर्क हुआ, कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कहेंगे वर्क हुआ। तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? प्रोडक्शन, यानी कि मल्टीप्लाई। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक चीज कई बार बुक्स में लिखी मिलती है, कॉस थीटा। क्या लिखा मिलता है? कॉस थीटा। बताओगे कॉस थीटा क्या होता है? वैसे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 10th में मैथ्स में पढ़ाऊंगा जब पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी बताता हूँ। देखो कॉस थीटा कैसे होता है, कैसे वैरी करता है, देखिए मैं ध्यान से। यहाँ पर थीटा जो है वो एक एंगल है, क्या है? एंगल। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी हो सकता है। ठीक, ये थीटा वो एंगल है जिसपे हमारा ये जो प्लेन है वो इंक्लाइंड हो रखा है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, ढलान, ढलान समझते हो ना? तो ढलान जो होती है वो जिस एंगल पे होती है, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन है ये? इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई चीज मान लो ऊपर से नीचे की तरफ खिसक रही है, डिस्प्लेसमेंट ले रही है, मान लो ये बॉक्स जो है, जिस बॉक्स की बात हम यहाँ कर रहे थे, वो बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस बॉक्स के दो फैक्टर होंगे, एक वर्टिकल फैक्टर और एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर। तो जो वर्टिकल फैक्टर होता है वो होता है साइन थीटा से रिलेटेड। किससे होता है? साइन थीटा से रिलेटेड होता है। और जो हॉरिजॉन्टल फैक्टर होता है वो किससे रिलेटेड होता है? कॉस थीटा से रिलेटेड होता है। तो इसलिए जब हम 9th क्लास में साइंस पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फैक्टर की बात करते हैं। इसी वजह से वर्क क्या आ जाता है? W इक्वल टू F इनटू S कॉस थीटा आ जाता है, ना कि साइन थीटा। जबकि वर्क की डेफिनेशन W इक्वल टू F इनटू S साइन थीटा भी हो सकती थी, अगर मोशन कैसे हो रहा होता, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रही होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, लीनियर हॉरिजॉन्टल है। तो इस वजह से हम किसकी बात करते हैं? W इक्वल टू F S कॉस थीटा की बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा जरूर। तो देखो बेटा आगे चलते हैं, अब देखो
होमवर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। लेकिन सर ये तो गड़बड़ हो रही है, कैसे? वन डिजिबल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो फेजर वर्क स्केलर कैसे हुई? ये तो दो ऐसी क्वांटिटी से मिलकर बनी है जिसमें डायरेक्शन नीडेड है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो फिर वर्क स्केलर कैसे होगी? वर्क में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिएगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। अब आप ध्यान से सीखिएगा, ऐसा क्यों नहीं होता? आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मोशन तो पढ़े हैं मैथ्स में, ठीक है? अब यहाँ पे जेड एक्सिस की बात और करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक जी। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस टू जेड एक्सिस जे कैप और जेड टू एक्स एक्सिस के कैप, इनके क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटीज के एंगल लिए जाते हैं। अब जब हम इसमें करेंगे तो अब मान लो आप, इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। That I cap dot I cap equal to क्या होता है? one। J cap dot J cap equal to क्या होता है? one। और K cap dot K cap equal to क्या होता है? one। बाकी I cap dot J cap भी क्या होगा? zero। I dot K cap भी क्या होगा? zero। मतलब same रहेगा तो क्या आएगा? one। और बाकी क्या हो जाएगा? zero। तो जब आपने फोर्स की बात करी तो मान लीजिए जो फोर्स का फैक्टर आया वो मान लीजिए कुछ ऐसा था कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये फोर्स के एंगल्स थे x एक्सिस के हिसाब से, y एक्सिस के हिसाब से और z एक्सिस के हिसाब से। फिर डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर हमने मान लिए क्या थे? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हमने क्या करा? वर्क निकालने के लिए हमने क्या करा? मल्टीप्लाई, सी बात है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा 3 टू सा 6 i कैप इनटू i कैप, i इनटू i आएगा प्लस 3 3 9 i कैप इनटू j कैप प्लस 3 5 सा 15 i cap into k cap plus 4 to the 8 j cap into i cap plus 12 j cap into j cap plus 20 j cap into k cap plus 10 k cap into i cap plus 15 k cap into j cap plus 25 k cap into k cap। सिर्फ 1 इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? जीरो। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6 प्लस 12 इंटू 1 कितना हो गया? 12 प्लस 25 इंटू 1 कितना हो गया? 25। 25 इकत्ती 32 43 कितना आ गया? 43 जूल्स। कितना आएगा? 43 जूल। जब तक आई कैप जे कैप और के कैप किसी चीज के साथ काम करते हैं तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन के एंगल्स हैं। अभी तक इसमें i कैप j कैप k कैप काम कर रहे थे, कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। ये भी कैसी थी? वेक्टर। लेकिन यहाँ तो i कैप या j कैप या k कैप है ही नहीं, खत्म हो गया। इस वजह से कैसी क्वांटिटी बनेगी? स्केलर। दैट्स व्हाई वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वर्क इज अ क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट आप कहीं पर भी देखो, मैंने मल्टीप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया डॉट का। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं फिजिक्स में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैथ्स में वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिक्स बड़ा
पेचीदा सब्जेक्ट है वो डॉट और क्रॉस को अलग अलग मानता है, मुझे मैथ्स में डॉट लग गई। मैथ्स में तो 4 × 3 भी क्या होगा 12 और 4 × 3 भी क्या होगा 12। नहीं जी फिजिक्स में नहीं होता, मैथ्स में होता बस। तो वर्क इज अ क्वांटिटी विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज विच इज ऑलवेज स्केलर, विच इज ऑलवेज स्केलर, जो हमेशा क्या होगी स्केलर होगी। किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है स्केलर होता है, कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई वर्क इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वो प्रोडक्शन किसका है वेक्टर क्वांटिटी का। नोट कीजिए। हाँ जी, इसके बाद बात आ जाती है टाइप्स ऑफ वर्क, इसकी बात आ जाती है टाइप्स ऑफ वर्क, कितनी तरह के वर्क। अब टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है अगर हम बात करें तो हमने कहा था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो इसके बेस पर तीन तरह के वर्क होते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है सर, अब हम कैसे पता लगाएंगे? तो आप छोटी सी चीजें ध्यान रखिएगा पहले ही कि कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है विच इज मैक्सिमम। ठीक है, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है बेटा, इतनी होती है -1। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस। ठीक है, वैसे तो इसमें 30 60 बतेरी है, चाहो तो वो भी ले देता हूं। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 60 की वैल्यू 1/√2 होती है। बट मैं फिलहाल इन तीन के बेस में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि वर्क तीन तरह के कैसे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये है हमारा बॉक्स था, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन लगा वो ये लगा, और इसी डायरेक्शन में कौन चला गया, बॉक्स मूव कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या हुआ, यही हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। एंगल तो कोई ना, बस सीधा एक लाइन आ गई, एक लाइन का अपने साथ क्या एंगल होता है 0 डिग्री। तो जब मैं यहाँ एंगल रखूंगा तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 0 आ जाएगा ना थीटा की जगह, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ डॉट एस पॉजिटिव आ जाएगा विच इज मैक्सिमम। ये पॉजिटिव वर्क इस तरह से आता है। ठीक है, इसको नोट करना, मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की। फिर इसके बाद अगर ये बॉक्स रखा था यहां, मैंने फोर्स का डायरेक्शन ये रखा वहां पर, और फोर्स का डायरेक्शन इधर उधर की बात भी, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया उल्टा। तो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा 180, जिसे हाफ लाइन का एंगल भी बोलते हैं। तो W is equals to F into S cos 180. तो W is equal to F into S cos 180 वैल्यू कितनी होती है -1। तो W is equal to क्या हो जाएगा माइनस के F dot S हो जाएगा। इस वजह से वर्क कैसा आ जाएगा नेगेटिव, वर्क कैसा आ जाएगा नेगेटिव। इसके बाद अगर आप ये देखो cos 90 की वैल्यू 0 याद रखना। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है मान लो, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वर्क कर रहे हो तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90। तो W इज इक्वल टू F into S cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो वर्क वहां पे क्या हो जाता है 0। सो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कैसे काम कर रहे होंगे,
पर पर्टिकुलरली कॉल कर रहा हूँ तो वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा।